हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई मैं आकृति आर्ट ग्रुप में। तो आकृति आर्ट ग्रुप का नाम आकृति आर्ट ग्रुप क्यों है तो मैं ये आप लोगों को अभी बताऊंगी, ठीक है। ये है आकृति, आ जाओ आकृति। ये है आकृति, ठीक है। इसके इसकी नाम से ही है ये आकृति आर्ट ग्रुप। तो इसका एक सिस्टर भी है, बड़ी सिस्टर, उसका नाम है प्रियांशी। तो प्रियांशी को मैं हमेशा आकृति बुलाती हूँ। प्रियांशी का जब भी कुछ ड्राइंग होता है पोस्ट करने के लिए तो मैं कैप्शन में लिखती हूँ आर्ट बाय आकृति। तो प्रियांशी हमेशा गुस्सा हो जाती है, मैं इतना इतना अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाती हूँ और आप मेरे बहन का नाम लिख के रख देती हूँ, ये तो अच्छा भी नहीं करती है मुझसे ज़्यादा, तो ये आप हमेशा इसका इसका नाम लिख के रख देती हूँ। वो बहुत गुस्सा होती है प्रियांशी है। ये प्रियांशी, हेलो हेलो, ये प्रियांशी। तो आप इसका चेहरा गौर से देखिए, हाँ ये हंस रही है अभी, ठीक है। तो ये प्रियांशी को आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। आप लोग प्रियांशी को देख सकते हैं, ये देखिए, ये है मेरा फोन, अभी 6-1 ही हुआ है। तो ये है गूगल और इसमें मैं टाइप करूँगी देपिका आर्ट सेंटर, ठीक है। तो ये देखिए देविका आर्ट सेंटर, मैंने ये गूगल में टाइप किया तो ये मेरे आर्ट सेंटर का फोटो आया। तो इसमें मैं इमेज में जाऊंगी तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग इसी का आएगा। ये देखिए प्रियांशी, प्रियांशी ने ये ड्राइंग बनाया था। किससे बनाया था प्रियांशी? पफ राइस से बनाया था। प्रियांशी का ये ड्राइंग बहुत फेमस हुआ है क्योंकि मैं पेज में तो बहुत सारा ड्राइंग अपलोड करती हूँ, बट ये ड्राइंग बहुत अच्छा था इसलिए फर्स्ट में आया ये ड्राइंग। ये भी ये है ड्राइंग, ये उसका नाम है अंतराक्षी। अंतराक्षी संडे को आती है, आई थिंक अंतराक्षी से मैं मिलवा चुकी हूँ। अंतराक्षी का ड्राइंग है ये, और ये है रूपाक्षी। रूपाक्षी को आई थिंक रूपाक्षी और अंतराक्षी से मिलवाई हुई, मैं भूल गई, अगर नहीं मिलवाई तो मिलवा दूंगी उन लोगों से। ये है रूपाक्षी का ड्राइंग। तो अभी चलिए चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे आर्ट सेंटर में जाके सबका ड्राइंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आकृति, तो पता चल गया आप लोगों को आकृति थोड़ा मशहूर है। ओ, फिर से मैं भूल गई, आकृति नहीं प्रियांशी है। देखिए वो फिर से गुस्सा कर रही है। आकृति नहीं प्रियांशी, मैं बार बार भूल जाती हूँ। प्रियांशी को आकृति बोलती हूँ, आकृति को प्रियांशी बोलती हूँ। और ये है आकृति, अभी मैं करेक्ट बोली ना, यस ये है आकृति। आकृति का ड्राइंग देखिए। आकृति कौन से क्लास में है? क्लास 4 में है, यस यस। तो ये देखिए उसका ड्राइंग, रविंद्रनाथ जी का पोर्ट्रेट बना रहा है वो, 9th मई के लिए सभी प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए मतलब उस दिन मुझे सब ड्राइंग चाहिए। मैं पोस्ट करूँगी मेरे पेज में, पहले से भी पोस्ट किया हुआ है, उस दिन भी पोस्ट करूँगी। और भी दिखाओ तुम्हारा ड्राइंग, और भी दिखाओ क्या क्या किया तुमने पहले। ये देखिए ये सीनरी किया, और दिखाओ ये भी किया, और उसको लास्ट ईयर आर्ट कंपटीशन में प्राइज भी मिला, उसका ट्रॉफी रखा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। रुकिए, ये है उसका ट्रॉफी, आर्ट कंपटीशन में मिला था, उसने सजा के रखा है। तो वो बहुत अच्छा करती है बट प्रैक्टिस थोड़ा कम करती है, उसका मम्मी हमेशा डांटती रहती है प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो क्लास में टेक्निक ही सिखाऊंगी, प्रैक्टिस तो उन लोगों को घर पे करना होगा। और वो क्या करती है, स्कूल से आके ही पटापट से खाना वाना खा के चेयर में बैठ जाती है, चेयर में बैठ के स्कूल से आके वो फोन देखती है पहले। अच्छा, स्कूल से आके फर्स्ट वो फोन देखती है, यूनिफॉर्म बिना चेंज किए फोन देखने लग जाती है, फिर खाना खा के फिर चेयर में बैठती है और फिर उंगली चूसने लग जाती है। ये शर्मा रही है, देखिए ये ट्रू है, क्लास 4 में है फिर भी अभी भी उंगली चूसने का आदत है उसका।
तो फिर टाइम मिलेगा तो ड्राइंग करती है ना, टाइम मिलता है तो ड्राइंग करती है। ब्रेक टाइम के बाद वो साइकिलिंग करके बाहर मतलब उसका सारा टाइम इसी में ऐसे में इसी यही सब करने में निकल जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट है प्रियांशी। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा काला काला दिख रहा है। प्रियांशी ऐसे बहुत गोरी है खास दिया। अच्छा अभी ठीक है। तो प्रियांशी क्लास कौन से क्लास में हो? क्लास सिक्स में है और वो डांस भी सीखती है और डांस में भी उसको बहुत सारा ट्रॉफीज मिला हुआ है ना। यस, और आर्ट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, लास्ट ईयर प्राइज भी मिला था उसको। और क्लास सिक्स में है वो डांस भी सीखती है और म्यूजिक क्लास जाते हो और गाना भी सीखती हो। अच्छा, वेरी वेरी गुड। और आर्ट भी अच्छा करती है। देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट बनाया। और भी दिखाओ, और क्या क्या बनाया, और क्या क्या बनाया दिखाओ, ठीक से दिखाओ। यस, ये भी बनाया। और दिखाओ, ये वाटर कलर फर्स्ट टाइम किया उसने, इसमें वाटर कलर सीख रही है। और भी दिखाओ, ये देखिए ये भी किया, ये घर से करके लेके आई थी वो। और भी दिखाओ, ये कृष्णा ड्राइंग, ये कृष्णा जी का ड्राइंग पेंसिल से किया, पेंसिल शेडिंग पेंसिल कलर से किया, शेड किया। और उसके बारे में और एक बताऊँ सीक्रेट, वो मुझे बार बार बोल रही थी मत बोलिए बोलना मैडम। वो ना लास्ट यस लास्ट ईयर एक ऑनलाइन कंपटीशन था तो उसमें मुझे बोला गया था कि वो 5 जून को था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए, तो उसके लिए मुझे बोला गया था कि स्टूडेंट्स का एक ड्राइंग भी देना है, एनवायरनमेंट डे का ड्राइंग भी देना है। और बोला था कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स प्लांटिंग कर रहा है ऐसा टाइप का एक फोटो देने के लिए। तो उसने किया, सब स्टूडेंट्स ने तो ग्रुप में सेंड किया, छोटा छोटा पौधा लगा रहा है ऐसा। बट उसने एक ना बड़ा पेड़ था उसके घर के सामने, वो उसको पकड़ के मुझे फोटो सेंड किया ग्रुप में। इतना फनी लगा देख के, और वो भी रात में, रात ऐसा 7-8 में, पूरा अंधेरा था, अंधेरे में जाके एक मैं बड़ा सा पेड़ पकड़ के फोटो दिया कि उसने ये पौधा लगाया ये देखिए हंस रही है अभी वो तो ये बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, पहले उतना अच्छा नहीं करती थी, अभी फिलहाल बहुत अच्छा करने लगी है। मैं स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज भी करती हूँ, उतना सीरियस होके एकदम, मतलब पहले ज़माने में जो टीचर थे ना एकदम लाठी उठी लेके मास्टर जी टाइप का, मतलब ऐसा मैं नहीं करती हूँ। वैसा भी अच्छा था बट अभी तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा खुल के बात करती हूँ, मजाक भी करती हूँ जब Modern. तो खुल के भी बात करती हूँ, और तभी मतलब वो लोग होमवर्क भी अच्छे से करता है, मेरे साथ घुल मिल जाता है। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी तो ड्राइंग ऐसा चीज़ है कि ज़्यादा मतलब उन लोगों को ड्राइंग पढ़ाई में तो उन लोगों का ऐसे ही प्रेशर होता है, पढ़ाई में तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है। तो अगर ड्राइंग में भी मैं ज़्यादा प्रेशर दूंगी तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ड्राइंग तो ऐसा है कि खुश होके, जब आप हमारा मन खुश होता है तभी वो ड्राइंग ज़्यादा अच्छा होता है, कोई प्रेशर में आके ज़बरदस्ती ड्राइंग नहीं कर सकता है। ड्राइंग हो या सिंगिंग हो, ज़बरदस्ती कोई गाना गाने से वो गाना अच्छा नहीं होगा, ड्राइंग भी ज़बरदस्ती होमवर्क करने से तो अच्छा नहीं होगा मन से। तो स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करती हूँ कि तुम लोग ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो उन लोगों के साथ मैं फ्रेंडली बिहेव करती हूँ तो वो लोग कर लेता है अच्छे से। नहीं पता आगे क्या होगा, तो अभी तक तो मेरा बहुत स्टूडेंट्स ही बहुत अच्छा अच्छा मतलब प्राइज भी मिला उन लोगों को, बहुत नाम भी है मेरे स्टूडेंट्स का। तो आगे भी शायद भगवान करे ऐसा ही हो, आप लोगों का ब्लेसिंग रहे तो वही। तो नेक्स्ट है श्वेता। श्वेता क्लास कौन सी क्लास में हो? 8। क्लास 8 में है वो, थोड़ा शाय फील करती है मुझसे बात करने के लिए। लास्ट ईयर ज्वाइन किया, तो उसको हमेशा मैं बोलती हूँ जो भी डाउट हो मुझे पूछो, बार बार उसको पूछती रहती हूँ। बट वो कम बात, कभी कभी होता है ना कोई कोई कम बात करता है, तो श्वेता ऐसा है। और श्वेता ये ड्राइंग कर रहा है, ये ड्राइंग श्वेता ये कर रही है, देखिए
ये यहाँ से देख के ये बना रहे हैं। वो उसने वाटर कलर न्यू स्टार्ट किया। और लास्ट क्लास का ड्राइंग दिखाओ, लास्ट क्लास का ड्राइंग दिखाओ, ये देखिए ये जो किया उसने ड्राइंग बनाया। बट कलरिंग ना उसने क्लास में थोड़ा ही किया था। मैंने बोला ड्रेस का कलर ऐसा ऐसा कलर मैंने बोल दिया था वैसा करके लाना, बट उसने तो ये देखिए ऑरेंज कलर किया। तो ये दोबारा बनाएगी, दोबारा बनाएगी क्योंकि उसने ये साधु बाबा ज़्यादा लग रहा है मैंने उसको बोला। तो मैंने फिर से उसको कलर सब लिखवा दिया, तो वो फिर से करेगी घर पर, इस बार गलती नहीं होगी, है ना करेगी। तो न्यू ज्वाइन किया इसलिए परफेक्ट नहीं बना, बट ठीक है, देखिए ठीक ठाक ही बना। ओनली ड्रेस का कलर ठीक करने से हो जाएगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा और लाइन ऐड करेगी, थोड़ा थोड़ा और लाइन ऐड करेगी उसमें उस जगह में। तो और श्वेता और भी दिखाओ ड्राइंग क्या क्या किया तुमने। ये वाटर कलर से किया, इतना फिनिशिंग नहीं आया क्योंकि न्यू कर रही है। और भी दिखाओ ऑयल पेस्टल का ड्राइंग इस बुक में, और इस बुक में नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी तब तुम दिखाना, ठीक है, तुम्हारे ऑयल पेस्टल का भी ड्राइंग। और उसको मैंने लास्ट टाइम जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का ड्राइंग स्टार्ट किया कि ये हमें बनाना है, बट मैं जब भी कुछ ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ क्लास में कराती हूँ स्टूडेंट्स को कराने वाली होती हूँ, तो उसके बारे में मैं पहले थोड़ा बताती हूँ कि जो हम लोग बनाएंगे सीनरी हो पोर्ट्रेट हो किन के बारे में बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट जब दिखाया उसको श्वेता ये कौन है, तो वो बता नहीं पाई। रविंद्रनाथ टैगोर को बोला नरेंद्र मोदी फिर मैंने उसको थोड़ा हिंट्स दिया कि अच्छा बोलो कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा। तो वो नेशनल एंथम क्या है नहीं जानती है, तो मैं उसके मम्मी को कॉल करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ उसको, उनको बताने वाली हूँ कि नेशनल एंथम। फिर नेशनल एंथम इसने बताया, ये मेरा और एक क्यूट स्टूडेंट है, वो क्लास यूकेजी में पढ़ती है, उसने बताया नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन है। श्वेता को तब पता चला ये थोड़ा उसका मूड अपसेट हो गया कि मैम ने ये बता दिया, बट ये जानना चाहिए है कि नहीं। श्वेता अभी जानते हो कि नहीं जो नेशनल एंथम है किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर से बताओ नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। यस अभी पता चल गया। तो हो जाता है कभी कभी इस जनरेशन में थोड़ा वो लोग मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए तो जो ऐसा ड्राइंग के थ्रू वो लोग हमारे पहले का इतिहास का बहुत कुछ जान सकते हैं ड्राइंग के थ्रू, है ना। तो वही तो नेक्स्ट है प्रियांशी जो प्रियांशी जो आकृति का कंप्लेन कर रही थी, वो प्रियांशी है क्लास एट में पढ़ती है वो, और वो भी अच्छा ड्राइंग करती है। वो इस बार फोर्थ ईयर में एग्ज़ाम देगी, उसको भी लास्ट ईयर प्राइज मिला था। हमारे कॉलोनी में एक कंपटीशन हुआ था उसमें भी, और पहले भी और भी कंपटीशन में प्राइज मिला था, उसको मेडल मिला था सर्टिफिकेट मिला था। तो अभी देखिए उसका ड्राइंग दिखाओ, अभी वो कर रही है रविंद्रनाथ टैगोर जी का पोर्ट्रेट। रविंद्रनाथ का फोटो दिखाओ, पहले पोर्ट्रेट दिखाओ, ये देखिए पोर्ट्रेट बना रही है, बट इनकम्प्लीट है ये, अभी ग्रे पार्ट करेगी और स्किन में भी फिनिशिंग, आइस में फिनिशिंग पार्ट देगी वो। और लास्ट क्लास में वो ये किया था, मतलब क्लास में हाफ ही हुआ था, बाकी फिनिशिंग ये जो ट्री पार्ट वाटर रॉक्स ये सब घर पे किया था। देखिए बहुत अच्छे से किया, और भी ड्राइंग है दिखाओ। ये जो है ड्राइंग है ये गूगल में जो देखा आपने, आप लोगों ने देखा गूगल में ये ड्राइंग था, ये मैंने दिया था, तो यही ड्राइंग है गूगल में। ये किससे बनाया था, पफ प्राइस अप्लाई करके ये किया था, ये देखिए छोटा छोटा पेस्ट किया फेब्रिकॉल से। और नेक्स्ट दिखाओ, ये देखिए ये भी है, अच्छे से स्ट्रेट करके दिखाओ, नहीं तो लाइटिंग थोड़ा आ रहा है।
ये देखिए ये भी है, और भी दिखाओ। ये देखिए, ये मैंने पेज में दिया था, बहुत व्यूज आया था। ये देखिए इतना फिनिशिंग से किया है, बहुत अच्छे से किया उसने, पेज में भी दिया है। मेरे इंस्टाग्राम पेज जो है देविका आर्ट सेंटर, और पेज का नाम है देविका आर्ट सेंटर, सेम नाम, उसमें आप लोग देख सकते हैं ये। तो और भी दिखाओ, और भी दिखाओ। ये किया, ये तो घर पे किया उसने, ये थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, ब्लैक लाइनिंग बाकी है, तो वो है लाइनिंग कर लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया, वो पोर्ट्रेट दो तीन बार ही उसको करवाया, ज़्यादा नहीं किया, इस बार और भी करेगी वो। ये जो अभी कर रही है रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट, तो उनके बाद ये ड्राइंग फिनिशिंग करवाऊंगी, और भी बहुत सारा पोर्ट्रेट करवाऊंगी। और क्या था, ये भी किया, ये एक आर्ट कंपटीशन के लिए किया था, दुर्गा पूजा के टाइम में ये किया था लास्ट ईयर। और भी दिखाओ, ये मैंडेला किया, ये मैंने क्लिक किया लास्ट वीक, बट अभी तक पोस्ट नहीं किया, पोस्ट करूंगी ये पेज में, मैंने नहीं दिया अभी तक। ये देखिए कितना डिटेलिंग किया, देख सकते हैं, दुर्गा माँ का फोटो बनाया और उसमें मैंडेला ऐड किया, मैंडेला डिज़ाइन। तो ये था आकृति, और प्रियांशी देखिए फिर से मैं भूल गई, उसको हमेशा आकृति आकृति बुलाती हूँ, तो बहुत ही स्मार्ट है वो। और भी, ओ कैनवास का ड्राइंग दिखाओ, कैनवास ड्राइंग, कैनवास भी किया। ये देखिए ये एक है, ये आप लोग गूगल में मिल जाएगा इसका नाम, ये कवाई ड्राइंग है, स्वेलिंग बोल दो नहीं तो कवाली मार, KAWAI। तो ये टाइप करके आप लोगों को इस टाइप का ड्राइंग मिल सकता है। ये है सनसेट सीनरी बनाया कैनवास में, ये भी बनाया कैनवास में, और ये भी बनाए वो कैनवास में ही सब, ये ऑनलाइन से ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। और ये जो ड्राइंग है इसमें कुछ मिसिंग है, तो आप लोग बोलिएगा क्या मिसिंग है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या मिसिंग है। ठीक है, जो भी भेजेगा कमेंट सेक्शन में क्या मिसिंग है, तो मैं समझ लूँगी वो बहुत मतलब टैलेंटेड है। यस यस, टैलेंटेड, आप लोग बताइएगा क्या मिसिंग है। एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट मिसिंग है, कौन सा पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये, इसके नाम है, बताओ तुम्हारा नाम, प्रीनी। यस, आपने बिनी नाम तो सुनी होगी आप लोगों ने, बट प्रीनी तो फर्स्ट टाइम सुनी होगी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था प्रीनी। मैं जब लास्ट मंथ ज्वाइन किया था, जब उसने बताया मेरा नाम प्रीनी है, तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सुन रही हूँ, बिनी राइट, तो उसने बोला नहीं प्रीनी है। कितनी क्यूट है, क्लास बी में पढ़ती है, इसलिए तो अभी तक बहुत छोटी है, तो आर्ट क्लास ज्वाइन किया, आर्ट बनाती है। देखिए इतना अच्छे से बनाया, कार्ड बनाया, कार्ड, ये स्लीपिंग लाइन, ये सर्कल से बनाया, फर्स्ट वन सर्कल, देन वन कर्व लाइन, एंड देन पार्ट किया लाइन से, और ये अगेन वन कर्व लाइन, कर्व लाइन। ठीक है, ऐसे बना दिया, ये रोज फर्स्ट ऐसा लाइन दिया था, ऐसा रोज ऐसा लाइन दिया था, फिर ये सब लाइन अप्लाई किया। इजी टेक्निक से ही सिखाती हूँ ऐसे बच्चे को मैं, और ये कर्व लाइन से बनाया, और ये देखिए जिराफ बनाया, स्मॉल लेटर एच से, स्मॉल लेटर एच से जिराफ बनाया, ये देखिए। तो ऐसा ही कर रही है, वो होमवर्क भी करके लाती है। तो नेक्स्ट है ये, उसका नाम है
बताओ। शुभश्री दास। शुभश्री, क्लास कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। शुभश्री, तुम्हें कार में घूमने जाना पसंद है या गाड़ी में? कार में। कार में पसंद है, गाड़ी में क्यों नहीं पसंद है? एम नहीं मीन्स बंगाली में बोला है, बंगाली में बोला एम नहीं मीन्स हिंदी में, ऐसे ही उसको पसंद नहीं है, मतलब उसको कार में पसंद है, गाड़ी में पसंद नहीं है, और उसको मुर्गी पसंद है, चिकन पसंद नहीं है। हाँ तो ये कौन सी क्लास में बोला तुमने? यूकेजी में पढ़ती है, सेम क्लास में दोनों, और वो भी लास्ट मंथ में ज्वाइन किया था, तो उसका ये भी आज गाड़ी बनाई है। देखिए गाड़ी बनाई, बहुत ही छोटी है, तो वैसा टाइप का ही ड्रॉइंग सर्कल बनाया, सिक्स नंबर सिक्स से किया, नंबर सिक्स नंबर सिक्स नंबर सिक्स, और ये भी ये सर्कल से किया, कर्व लाइन, कर्व लाइन ऐसा टाइप से किया, और ये रोज ये होमवर्क करके लाई थी। हाँ, ये तो क्लास वर्क नहीं दी, होमवर्क किया, क्लास वर्क में मैं सेम ही दिखाई थी, बट इसने होमवर्क किया, घर पे किया, ये रोज बनाया इजी टेक्निक से। ये भी जिराफ, उसको भी दिया था, प्रीनी को भी दिया था, उसको भी दिया था, तो ये जिराफ स्मॉल लेटर एच से बनाया, संता बनाया, ये होमवर्क बुक है, क्लास वर्क बुक अलग है। ये होमवर्क बुक है, ये क्लास वर्क बुक है, ये देखिए फर्स्ट क्लास में मैंने ऐसा शेप सिखाया था, ऐसा बलून ये सब, और फिर ये हाउस सिखाया था, फिर ये कैंडल, फिर बैलून, ये देखिए फिश, क्योंकि यूकेजी में पढ़ती है तो इजी ड्राइंग दूंगी। ये मैंने रील्स में भी है, मेरे रील्स में भी है, यूट्यूब में मैंने दिया हुआ है शॉर्ट्स में। ये देखिए सर्कल, और एक मतलब लेटर ओ, लेटर यू, और सी भी सोच सकते, ये एस, लेटर एस, इससे बनाया। मैं इजी टेक्निक से ही सिखाती हूँ ऐसे छोटे बच्चे को। ये फिर से एक ट्राई किया था, ये पांडा बनाया था, ये भी शेप से सर्कल यू ऐसे, ये भी होमवर्क भी करती है, ये क्लास वर्क में करवाया था ये संता, और इसने ये ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा मतलब सब नंबर से करेगी तो बोर फील करने लग जाएगी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मिडिल में चेंज करती रहती हूँ। तो ये था मेरा बाबूलाल कचहरी का, कचहरी में आकृति आर्ट ग्रुप का स्टूडेंट्स। एक एब्सेंट है अभय, वो एब्सेंट है आज बिकॉज उसके उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आज वो आउट ऑफ टाउन है, आसाम गया हुआ है, इसलिए जब वो आएगी नेक्स्ट टाइम वीडियो अगर इस ग्रुप में करूँगी, मतलब करूँगी नेक्स्ट टाइम, तो क्योंकि या कुछ ओकेशन होने पर यस तब मैं करूँगी, तो अब तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, मधुमती आर्ट ग्रुप में, ठीक है।